अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाओं के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड Flipkart से। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं ML सैनी आपका यूट्यूब चैनल हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, बहुत बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आ गया हूं। जी हां दोस्तों, यूपी स्टाफ नर्स वैकेंसी 2021, ये लगभग आपके 3000 पोस्टें रहने वाली बहुत बड़ी भर्ती है। यूँ मानकर चलिए 3000 पोस्टें परमानेंट वैकेंसी है, 60,000 प्लस तनखा रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो पर पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या राजस्थान वाले भी आवेदन कर सकते हैं या अदर यूपी से अलावा यूपी के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, GNM BSc कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कितनी इसकी फीस है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक लास्ट डेट है और इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी जो अपन को सिलेक्शन दिला सकती है, अपन सब कुछ इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपन इसकी PDF अपन आ गए इसकी PDF के ऊपर, जो मैंने वेबसाइट से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, आज ही का है अपलोड किया हुआ। ठीक है, अब डिटेल में डिस्कशन करते हैं अपन। देखिए, ये है स्टाफ नर्स असिस्टेंट नर्स ग्रेड सेकंड की पोस्ट, मेल और फीमेल के अलग अलग। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग डेट है 16 जुलाई और लास्ट डेट है 12 अगस्त जहां तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फीस सबमिट करनी है। फाइनल सबमिशन अगर आपका डिले हो जाता है तो आप 16 अगस्त तक पेमेंट हो जाता है, पेमेंट होने के बाद 16 अगस्त तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आप तो मानकर चलिए कि इसकी लास्ट डेट 12 अगस्त है। क्लियर है? ठीक है, अब आगे वो डिस्कशन। अब इसमें देख बहुत सारी PDF, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट थिंग्स को सिलेक्ट कर लिया कि क्या आपके साथ डिस्कशन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ से एक और बनती, देखिए आपकी जो फॉर्म भरने के बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में जो आपको हार्ड कॉपी मिले उसको रिलेवेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ में सेल्फ अटेस्टेड करके UPSC के ऑफिस में भेजना है। क्लियर है? अब भेजना कैसे है कि उसमें जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सेल्फ अटेस्टेड और एक लिफाफे के अंदर डालकर भेजना है। लिफाफा अच्छे तरह से पैक हो और लिफाफे के ऊपर क्लियरली लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स मेल या फीमेल जो भी है, रिसीवर एड्रेस और सेंडर दोनों का एड्रेस क्लियरली, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने सही नहीं भेजा एनवेलोप पर लिख के तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। आगे चलते हैं, आगे और क्या डिस्कशन करना अपन, इसमें स्पेशल क्या है, देखिए ये सब चीज़ें हैं कि आपको कैसे जो एप्लीकेशन वगैरह भरना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन प्रेस्क्राइब्ड फीस डिपॉजिटेड, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको खुद पढ़ लेनी है PDF में। इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या आप खुद UPSC की वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये फॉर्म फीस जो बहुत ही कम है, कम मीन्स कि आप सभी अफोर्ड कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज इसकी एप्लीकेशन फीस है। अब अपन चलते हैं इसी पोस्ट पर, देखिए यहाँ पर चलिए यदि नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, यहाँ इस बॉक्स में है नंबर ऑफ वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, देखिए टोटल वैकेंसी स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड सेकंड मेल की है 341,341 और फीमेल की है 2671, लगभग 3000 प्लस पोस्टें हैं जो यूपी की गवर्नमेंट, वो यूपी के सभी हॉस्पिटलों में और जो किंग वहाँ पर KGMU और यूनिवर्सिटी है अलग से, तो उसमें के लिए भी भर्ती है। देखिए अब इसमें लिखा हुआ है ये टेम्परेरी, देखिए पोस्ट टेम्परेरी और ग्रुप बी नॉन गजेटेड। देखिए टेम्परेरी कब तक होती है, ये है तो पोस्ट नहीं परमानेंट, लेकिन टेम्परेरी क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 साल तक जब तक प्रोबेशन पीरियड होता है तब तक टेम्परेरी लिखा हुआ होता है, 2 साल के बाद में आपको परमानेंट का सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब इस टेम्परेरी का मतलब ये ग्रुप बी की पोस्ट है, ये नॉन गजेटेड है। ठीक है, अब इसकी सैलरी की बात करें, देखिए सैलरी भी यहाँ पर अच्छी खासी मिल रही है आपको, अच्छी खासी एक तरह से मानिए सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर सैलरी मिल रही है, 4600 ग्रेड पे आपको दिया जा रहा है। 4600 ग्रेड पे का मतलब मानकर चलिए कि आपकी सैलरी बनेगी 60,000 के पर मंथ के हिसाब आसपास। ठीक है, क्लियर है? 60,000 आज से ही तैयारी में जुट जाइए, ये 60,000 तक पहुंचना है तो आज से ही, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बड़ी बात नहीं है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, आप हिंदी पढ़ सकते हो लेकिन ट्राई करिए कि इंग्लिश पढ़ने, क्योंकि हिंदी में पेपर गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपने इंग्लिश में अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी गलतियाँ नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश बिल्कुल सटीक होती है, हिंदी के वर्ड्स आप समझ ही नहीं पाओगे अगर पेपर में से ऐसे हिंदी के वर्ड्स आ गए तो। ठीक है, आगे वो डिस्कशन करते हैं, और इसमें इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं या फिर ओनली यूपी वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, डिस्कशन करते हैं, देखते हैं। स्टाफ नर्स मेल जिसमें पूरा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर है, एक कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स मेल मस्ट हैव पास्ड इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी देखिए एग्जामिनेशन भी, देखिए साइंस बायो से तो आपकी 12th होनी चाहिए, मैं बता दूँ आपको,
जीएनएम वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, और बीएससी नर्सिंग वाले भी कर सकते हैं, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन यूपी नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो स्टाफ नर्स मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट, मेंटल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। फीमेल की बात करूँ, फीमेल के लिए भी सेम है कि आपका साइंस से 12th पास होना चाहिए, ठीक है, जीएनएम बीएससी और विथ रजिस्ट्रेशन विथ यूपी नर्सिंग काउंसिल। इस पोस्ट जो ये है केजीएमयू वाली, इसमें नहीं लिखा हुआ, देखिए डिप्लोमा यानी कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस दे रहे हैं, अगर आपके पास 3 साल का एडिशनल एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिए मेडिकोलॉजी और बीएससी नर्सिंग, जीएनएम बीएससी दोनों प्लस 3 साल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रिफ्रेंस मिल जाएगा, यानी कि आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। आगे इसमें देखिए, और आगे इसमें रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो देखिए कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग शुड बी रजिस्टर्ड ए ग्रेड नर्स एंड मिडवाइफ विथ एस स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर मेल नर्स। इसका मतलब मुझे यूँ लगता है कि हो सकता है इसमें अदर स्टेट के भी एलिजिबल कर दे वो, अगर आप जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरे तब इसका ऑप्शन आए, तब आप अगर इसके लिए पार्टिकुलर भरे तो हो सकता है मे बी कि ये इसमें अदर स्टेट को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लग ये भी व्यू होता है, ये भी व्यू है मेरा कि शायद इसमें ओनली यूपी वाले ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार आवेदन करके ज़रूर देखना, हो सकता है वहाँ ऑप्शन आ जाए अदर स्टेट काउंसिल वालों के लिए भी, ठीक है, क्लियर है। अब और इसमें आगे अपन डिस्कशन करते हैं, देखिए एज लिमिट की और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं इसके अलावा आपको बता दूं, देखिए अभी सभी स्टेट में स्पेशली यूपी सीएचओ और एमपी सीएचओ, यूपी और बिहार सीएचओ में वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए सबसे बेस्ट बुक अपनी चल रही मिशन सीएचओ, और मिशन सीएचओ बुक ही इस स्टाफ नर्स के जो आपका यूपी स्टाफ नर्स का एग्जाम है इसका सिलेबस के इसका भी सिलेबस उसमें बिल्कुल सेम है। तो आपके इस यूपी स्टाफ नर्स के एग्जाम के लिए, चाहे यू मान कर लिए सभी स्टाफ नर्स के एग्जाम यूपी सीएचओ और सभी स्टेट के सीएचओ के एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी बुक चल रही है, पूरा सिलेबस कवर करती है, जो है कलर्ड एडिशन है सीएचओ 2.0, मिशन सीएचओ 2.0, जिसमें 10+ जो पूरा ओल्ड सीएचओ के पेपर है, यूपी स्टाफ नर्स का पुराना पेपर भी इसमें है, ठीक है, और कलर्ड है इंग्लिश में, लेकिन लैंग्वेज बिल्कुल ईजी है, 5000+ MCQs है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है 4000+, और यूँ मानकर चलिए आपका इस स्टाफ नर्स के एग्जाम में आराम से आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो आप उसको अमेजन फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हो, हमारी वेबसाइट missnainstitute.com पर जाकर वहाँ से भी आप इसको बाई कर सकते हो, या डायरेक्ट हमारे को जो नंबर दिए हुए वहाँ पर भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। आगे और बात करते हैं इस वीडियो में, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हो चुकी है लगभग, और अभी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप खुद पढ़ लेना, इसमें हिंदी वाला वर्जन भी आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर, हिंदी में इसको डाउनलोड करना चाहिए तो ये इसमें दिया हुआ है कई सारी चीज़ें जो आपको इस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है, ये फॉर्म क्या क्या कैसे इमेज वगैरह अपलोड करनी है, सब चीज़ें यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब सिलेबस की बात करूँ, देखें यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है, ये जो यहाँ से देखो इसका एक स्कीम इसकी ऐसे रहेगी एग्जाम की, ये देखिए इसका 30 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 20 हिंदी के और 120 नर्सिंग के, ठीक है, 170 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का वो पेपर रहेगा, 85 मार्क्स का पेपर रहेगा, यानी कि हाफ क्वेश्चन का 1 क्वेश्चन रहेगा, ये पूरा क्वेश्चन नॉन टेक जो है जीके और आपका जनरल साइंस वगैरह हमारा मिशन नॉन टेक वाली बुक है वो कवर कर लेगी, आप मिशन नॉन टेक वाली बुक भी अमेजन फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हो, वो जो नर्सिंग के 120 बुक्स है वो मिशन सीएचओ वाली बुक आराम से कवर कर लेगी, आप जो मंगवा सकते हो। इसमें देखिए इंडेक्स भी दी हुई, क्या क्या सिलेबस रहेगा, हिस्ट्री में जीके होगी, इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी होगी, और ये जनरल साइंस वगैरह हो गई, तो ये पूरा सब्जेक्ट है जो मिशन नॉनटेक कवर कर लेगी, और हिंदी नहीं है हमारी मिशन नॉनटेक में, तो थोड़ा ध्यान से मंगवाएं। नर्सिंग का पूरा सिलेबस है जो मिशन सीएचओ कवर कर लेगी, एनाटोमी, फंडामेंटल, फर्स्ट एड, एमएसएन, ये सब सिलेबस है जो बुक कवर कर लेगी, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, ठीक है। अब मैं आपको हमारी मिशन सीएचओ गाइड की जो इंडेक्स, ठीक है दोस्तों, अब आ गए अपन मिशन सीएचओ गाइड की सैंपल पीडीएफ के ऊपर। आपको अगर सैंपल पीडीएफ चाहिए, एक बार सैंपल पीडीएफ देखनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे को व्हाट्सअप करके भी इसका सैंपल पीडीएफ मंगवा सकते हैं, आप देख सकते हैं एक बार पीडीएफ इसका। मैं देखिए इसकी लेकर चल रहा हूँ आपको इंडेक्स के ऊपर, जो कलर्ड बुक है एकदम कलर्ड भी प्रिंट, देखो ऐसे ऐसे डिज़ाइन हो रखी है कलर में, और हम आ गए इसकी इंडेक्स पर, 1 मिनट ये जस्ट पहुँचने वाले हैं अपन, ये आ गए देखो इसकी इंडेक्स, देखिए ये इसकी एनाटॉमी जो जो अपन ने उस पीडीएफ में देखा था यूपीपीएससी की स्टाफ नर्स वाली में, सेम देखिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यहाँ पर पूरा डिटेल में है, जो सीएचओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आप यूपी सीएचओ या बिहार सीएचओ की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत बेस्ट बुक रहेगी उसके लिए, क्योंकि उसने हमने सीएचओ को कम्युनिटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है,
ठीक है। अब आपके यूपी स्टाफ नर्स के हिसाब से देखिए, पीडियाट्रिक नर्सिंग आ गई, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आ गई, ब्रीफ थ्योरी है पहले की पॉइंट में, और फिर इसके एमसीक्यूज है पूरा सभी सब्जेक्ट का, की पॉइंट और एमसीक्यूज है। ठीक है, ये देखिए आ गया मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मिडवाइफरी, ओबीजीपी, साइकेट्रिक, फार्मा, माइक्रो, और ये हेल्थ रिलेटेड स्कीम भी आ गई। देखिए हेल्थ रिलेटेड स्कीम भी सभी स्टेट्स की है ना, और देखिए सीएचओ के 10+ पेपर भी इसमें लगभग इंक्लूडेड है। जैसे यूपी सीएचओ या बिहार सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो वरदान साबित होगी बुक, बाकी आप स्टाफ नर्स के लिए भी बुक मंगवा सकते हैं। देखिए मैं आगे इसके क्वेश्चन आंसर बताऊँ, देखो इसके क्वेश्चन आंसर है जो ये, जैसे मान लीजिए एनओटी भिजुअल चली, इसे टेबल दे दिया अच्छे से, ये की पॉइंट में पूरा दे दिया, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, इंग्लिश में है। ठीक है, ऐसे की पॉइंट आने के बाद में ये ऐसे क्वेश्चन आंसर आ गए, क्वेश्चन आंसर देख सकते हो आप लगभग है जो कुछ रेशनल के साथ में है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं आपको उसकी जो मिशन नॉनटेक की पीडीएफ बताता हूँ एक बार, हम आगे मिशन नॉनटेक की पीडीएफ के ऊपर। ठीक है, देखिए मिशन नॉनटेक की पीडीएफ, ये कलर्ड नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है, इसकी पीडीएफ के ऊपर, इसकी कंटेंट पर चलते हैं अपन। इसमें क्या क्या है जो आपके नॉरसेट और एम्स और आरआरबी एसआईसी सभी एग्जाम में काम आएगी। तो ब्रीफली देखो, जनरल नॉलेज है, एमसीक्यू सब कुछ है, की पॉइंट मैथ्स है, रीजनिंग है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल साइंस है। तो आप ये बुक भी मंगवा सकते हैं। इसका आगे मैं कंटेंट देख के दिखाऊँ आपको, देखो जीके है, जीके कैसे आ रही है ये देखिए, जीके किस तरह से हिंदी में है, पूरे पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से आपके समझ में आ जाएंगे। देखिए इस तरह से जीके वगैरह है ना, इसके क्वेश्चन आंसर भी है आगे, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी है इस तरह से। तो ये सब आपके लिए बहुत बेस्ट। एक और गाइड की मैं बात कर ही लेता हूँ, मिशन परिचारिका, जो नॉर्थ सेट, एम्स, पीजीआई, जिपमर सभी एग्जाम्स के लिए, जो नर्सिंग ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, वॉल्यूम फर्स्ट है, कंप्लीट थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी, एमसीक्यूज नहीं है, कंप्लीट थ्योरी है। तो आप ये गाइड भी अगर नॉर्थ सेट वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हो तो मंगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नर्सिंग। और हाँ दोस्तों, आप यूपी सी एच ओ, एमपी सी एच ओ, बिहार सी एच ओ, या फिर आपके इस यूपी स्टाफ नर्स के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू सिलेबस टेस्ट सीरीज बनेगी, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वहां पर आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे सभी एग्जाम के। ठीक है, अब सी एच ओ और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन थी एच ओ 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित थी एच ओ और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाओं के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड Flipkart से। आर यू वांट टू बिकम नर्सिंग ऑफिसर? यस, बट कंफ्यूज्ड विच गाइड और बुक इज बेस्ड फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम? प्रॉब्लम सॉल्व, मिशन हाई है ना? आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। अब नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान, क्योंकि मिशन हाई लेकर आ गया है कंप्लीट स्टडी मटेरियल। मिशन परिचारिका गाइड, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स कंप्लीट थ्योरी विद इमेज। मिशन नॉन टेक, ए शॉर्ट गाइड फॉर ऑल नॉन टेक सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर एंड जनरल साइंस। ऑर्डर करें Amazon एंड Flipkart से।